है, उसे सराहें, उसकी महिमा करें, क्योंकि भजन संहिता 82 अध्याय चैप्टर उसके अंदर ऐसे लिखा है, यहोवा अपने लोगों में है। हमारा विश्वास है कि यहोवा अपने लोगों के बीच में है। हम सब यहोवा ही का है, जगत और उसने निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी है, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी है, और महानंदों के ऊपर स्थिर किया है। और महानंदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष हो और हृदय शुद्ध हो, जिसने अपना मन व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, कपड़ से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले यहोवा की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वह तेरे दर्शन के खोजी हैं, यकूब बंची है, हे पाठको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। प्रतापी राजा कौन है? यहोवा जो सामर्थी है, पराक्रमी है, यहोवा जो युद्ध में पराक्रमी है। हे पाठको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। आमीन, आमीन। यहोवा का वचन है। यहोवा अपने वचन पर सुने जाने पर आशीष दे। पिता यीशुआ में हम आपकी महिमा करते हैं, सब तेरे बेटे और बेटियों के लिए जो सप्ताह के पहले दिन तेरे कलाम को सुनने के लिए तेरी हजूरी में आकर उन आशीषों को पाने के लिए जो आपने उनके लिए इस जगत की नींव रखने से पहले ही उनके लिए तैयार की। आज हम सबको अपने वचन के लिए तैयार करें, हमारे हृदय आपके वचन के लिए खुले रहें। जब तेरे खादिम तेरे वचन को लेकर आते हैं, आज उनके मुंह से निकलने वाला हर वचन आपकी महिमा को लेकर आए। हम आपकी महिमा करते हैं गायन की भजनों के लिए, की गई प्रार्थनाओं के लिए, पढ़े गए भजन के लिए। सारा जलाल आपको देते हैं। हमारा अमना है कि आपने हमारी तकलीफ को सुना। यीशुआ के विशाल आपके कदोष शब्द में होकर मांगते हैं, मिलकर बोलेंगे हालेलुया। बड़ी सादगी के साथ हम यहोवा के वचन की ओर चलेंगे। मेरा बुरा है कि वो अपने वचन को भेजता है और हम सब आशीष पाते हैं, क्योंकि ये याद रखना है हमें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहना कि हमें आशीष पानी है। हमें आशीष के स्रोत बनाया गया है, और स्रोत जो होता है वो उमड़ता है। जैसे आप किसी झरने को देखें वो बहता ही रहता है, ऐसे ही यहोवा ने अपने वचन के लिए, अपनी आशीषों के लिए मुझे और आपको बनाया है। हम सारी महिमा यहोवा के नाम को देते हैं। आज हमारे बीच में बेटा आर है, उनके साथ मिलकर हम यहोवा के वचन से सुनेंगे, सीखेंगे, और मैं चाहता हूँ कि हम उसको बनाएं और फिर से तालियों में जाकर उसे धन्यवाद दें। हालेलुया। अहम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली मारकर। तो प्रिय अजीजों, आज हम यहोवा के पवित्र वचन से हिरण के जीवन के ऊपर गौर करेंगे, हिरण की प्यास के विषय में आज हम बाइबल से सीखेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ आज का विषय आपके लिए बहुत सारे आशीषों से, बरकतों से भरा हुआ है। आज 5 बातें हम हिरण के जीवन से देखेंगे। हालेलुया। तो आज का विषय शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी, एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार जंगल के अंदर एक शेर था, वो बुजुर्ग हो चुका था, बूढ़ा हो चुका था,
और वो अपने शिकार को पकड़ने में असमर्थ था। उसने सोचा मैं क्या करूं, ऐसे पड़े पड़े तो मैं मर जाऊंगा। और उसने एक तरकीब निकाली, उसने बीमार होने का बहाना किया, नाटक किया, और उसकी बीमारी की खबर जंगल के सारे जानवरों के पास पहुंची। और जंगल के सारे जानवरों ने ये सोचा, ये विचार किया कि हम अपने राजा से मिलने के लिए जाएंगे। धीरे धीरे करके एक एक जानवर शेर के पास, शेर से मिलने के लिए आया। और जब शेर से मिलने के लिए आया तो शेर ने ताक लगाकर, मौका देकर उस जानवर को खा लिया। हालेलुया। ऐसे करके धीरे धीरे काफी सारे जानवर नाश हो गए, लेकिन उस जंगल के अंदर एक बुद्धिमान हिरन था। उसने भी सोचा मैं भी जाऊंगा और राजा से भेंट करूंगा। तो जब वो गया तो दूर से ही उसने देखा कि बहुत सारे जानवर के निशान तो जा रहे हैं, जाते हुए तो हैं, पर आते हुए कोई भी निशान नहीं है। वो दूर से गया और शेर से पूछने लगा उसके हालचाल के विषय में। तो शेर ने उसको अपने पास बुलाया। उसने सोचा अपने मन के अंदर कि अगर मैं उसके पास गया तो मुझे भी खा जाएगा। और शेर ने जैसे ही उसके ऊपर अटैक किया, हिरन तुरंत वहां से भाग गया। हालेलुया। प्लीज, इसो विश्वासी बहुत पाप, शैतान को, पाप को कमजोर समझता है। याद रखे, पाप कभी कमजोर नहीं है। यदि हम उसके पास जाएंगे, हम उसकी अभिलाषाओं को रखेंगे, हम उसकी ओर देखेंगे, तो पाप तुरंत हमें अपनी ओर खींच लेगा। हालेलुया। इसीलिए एक विश्वासी को पाप से दूर भागना है, शैतान के कामों से दूर भागना है, हिरन के समान। हालेलुया। हालेलुया। तो प्लीज इसो पांच क्वालिटी हम हिरन के जीवन से बहुत जल्दी देखेंगे। सबसे पहली जो उसकी क्वालिटी है, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत होती है, बड़ी बड़ी होती है, और वो अपनी आंखों से बहुत दूर तक देख सकता है। और जब आप बाइबल के अंदर देखते हैं तो जब यूहन्ना ने यीशु मसीह का दर्शन पाया तो उसने बयान किया कि यीशु मसीह की जो आंखें हैं वो आग की ज्वाला है। कैसी है? आग की ज्वाला। और जब आप व्यवस्था विवरण 33 अध्याय 2 वचन को पढ़ते हैं, मैं चाहता हूं इस वचन को हम पढ़ें। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय उसके 2 वचन को। उसने कहा यहोवा सीने से आया है, यहोवा सीने से आया है, और सही के लिए उन्हें हुआ है। हाँ, उसने प्राण पर्वत पर से अपना तेज दिखाया है। हाँ, और लाखों पवित्रों के मध्य में से आया, उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वाला मारे विधियां निकली। हाँ, यहोवा के दाहिने हाथ से क्या निकली है? ज्वाला में विधियां। और जब यूहन्ना ने यीशु मसीह का दर्शन पाया तो उसने बताया उसकी आंखें कैसी थी? आग की ज्वाला। यानी कि वो क्या थी? यहोवा की विधियां, यहोवा के वचन। और जब आप नीति वचन 7 अध्याय 2 वचन को पढ़ते हैं तो सुलेमान कहता है, मेरे पुत्र मेरी आज्ञाओं को आंख की पुतली जान। जब आप यहोवा की आज्ञाओं को अपनी आंखों में बसा कर रखेंगे, उसको अपनी आंख की पुतली के समान रखेंगे, याद रखिए आपकी आंखों में चमक होगा, आप दूर तक देख पाएंगे, क्योंकि वचन आपको दूर तक दिखाएगा। हालेलुया। आप दूर से ही अपने दुश्मन को देख पाएंगे और उससे सावधान हो पाएंगे। हालेलुया। इसीलिए हमें यहोवा की आज्ञाओं को, उसके हुक्मों को अपनी आंख की पुतली बनाना है, तभी हमारी आंखें दूर तक देख पाएंगी, हम स्वर्गीय स्थानों तक देख सकते हैं, हम यहोवा के जलाल को, उसकी महिमा को भी देख सकते हैं। प्रिय सीसो, हालेलुया। दूसरी बात, हिरन की जो सींग होते हैं बहुत मजबूत होते हैं, उसके जो सींग है ना एक मुकुट के समान होते हैं, आप देखेंगे ना बहुत सुंदर, और मुकुट के समान होते हैं। उसके जो सींग है इतने मजबूत होते हैं कि अगर शेर के ऊपर वो लगे, शेर को उसने अपनी सींग से मारा तो शेर की हड्डियां भी टूट जाएंगी। हालेलुया। इतने मजबूत उसके सींग होते हैं। और बाइबल सींग के विषय में बताती है, सींग सामर्थ का प्रतीक है। और जब आप भजन संहिता 18 अध्याय 2 वचन को पढ़ते हैं, वहां पर दाऊद कहता है, यहोवा तू मेरे मुक्ति का सींग है,
हालेलुया। तो मेरे उद्धार का सींग है। याद रखे यहोवा एक विश्वासी को उद्धार का मुकुट पहनाता है और वो सामर्थ्य है। जब तक आप उस उद्धार के मुकुट को पहने रहेंगे आपका दुश्मन आपके पांव के नीचे है। हालेलुया। जब आप उस उद्धार के में बने रहेंगे, उस उद्धार के मुकुट में, उद्धार के सींग में बने रहेंगे, दुश्मन की हड्डियां टूट जाएंगी। हालेलुया। आप बरकरार रहेंगे, आप मजबूती के साथ रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप उद्धार से भटक जाएंगे आप निराश हो जाएंगे। दुश्मन मौके में है कि कब आपको पार खाए। हिरन की सुरक्षा उसके सींग से है, उसकी सामर्थ उसके सींग में है, उसकी ताकत उसके सींग में है। इसीलिए प्रिय चीजों, पहली बात हमें सीखना है, हमें यहोवा की आज्ञाओं को अपनी आंख की पुतली जानना है ताकि हमारी आंखें दूर तक देख सके। दूसरी बात, हमें उस उद्धार में जो होगा, जो हमारे उद्धार का सींग है, उसमें बने रहना है ताकि दुश्मन हमारे पांवों के नीचे रहे। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात, उसके पांव बहुत मजबूत होते हैं, 10 फीट तक उछल सकते हैं और वो अपनी रफ्तार में बहुत तेज है। किसी भी जानवर के पकड़ में वो बहुत जल्दी से नहीं आता, बहुत तेज भागता है वो। और तभी बाइबल के अंदर हबकूक 3:19 के अंदर लिखा है कि यहोवा मेरे पांव को हिरन के समान बना देता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर ले चलता है। हालेलुया। पांव प्रिय जीसो हमारे चाल चलन को दिखाते हैं। जब हमारे चाल चलन यहोवा के वचन के अनुसार होंगे तभी हम उसके पवित्र पर्वत पर चढ़ पाएंगे। मैं चाहता हूँ एक वचन को पढ़े, भजन संहिता 15 है, उसके 1-2 वचन को। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है, और हृदय से सच बोलता है। पहली बात जो यहाँ लिखी है, जो खराई से चलता, खराई से चलता। हाँ, तभी हबकूक कहता है यहोवा मेरे पांव को किसके समान बना देता है? हिरन के समान बना देता है ताकि मैं यहोवा के पर्वत की ओर जा सकूं, यहोवा की उपस्थिति में जा सकूं। याद रखे, जब आप खराई से चलेंगे तभी आप यहोवा के पर्वत पर जा पाएंगे। हालेलुया। तभी भजन संहिता 15 के अंदर लिखा है, यहोवा तेरे पर्वत के ऊपर कौन चढ़ सकता है? तेरे तंबू में कौन वास कर सकता है जो खराई से चलता है? इसीलिए प्रियजनों, हमें अपने चाल चलन के ऊपर गौर करना है। क्या हमारा चाल चलन वचन के अनुसार है? क्या हमारा चलना, हमारा उठना, हमारा बैठना वचन के अनुसार है? यदि नहीं है तो आज हमें हिरन के जीवन से सीखना है कि हमारा चाल चलन वचन के अनुसार हो ताकि हम उस ऊंचाई पे जा सके, उस पर्वत पर जा सके जहाँ यहोवा वास करता है, जहाँ यहोवा रहता है। प्रिय यीशु, हालेलुया। चौथी बात, हिरन के कान सुनने के लिए बहुत तेज है। वो अपने दुश्मन की आहट को बड़े दूर से ही पहचान लेता है। जरा सी भनक ही उसके लिए काफी है और वो चौकन्ना हो जाता है। और बाइबल क्या बयान करती है? बाइबल बयान करती है, शमोसिन का, मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, वो मेरे पीछे आती है। वो पराई का शब्द, हमें दूर से ही जांच लेना है ये बातें क्या वचन से हैं, क्या वचन से बाहर हैं। दाऊद एक बहुत अच्छी बात लिखता है, यहोवा मेरी आंखों को व्यर्थ बातों की ओर से फेर दे। बहुत सा समय हम व्यर्थ बातों की ओर लगा देते हैं, व्यर्थ बातों को सुनते हैं, उनको सोचते हैं, विचार करते हैं और अंदर ही अंदर परेशान होते जाते हैं व्यर्थ बातों की ओर। अगर वो समय हम यहोवा के वचन को सोचने में लगाएं, यहोवा के हुक्मों के ऊपर ध्यान करने में लगाएं, हमारा जीवन बदल जाए। तभी दाऊद बताता है, मेरी आंखें व्यर्थ बातों की ओर से फेर दे। तभी यकूब कहता है, तुम में से हर एक बोलने में धीमा और सुनने में तत्पर हो, तेज हो। आपको पता बाइबल के अंदर हिजकिया राजा था,
उसने अपने कान को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया, ना अपनी आंखों को व्यर्थ बातों की ओर लगाया, उसने अपना ध्यान यहोवा के वचन में लगाया, अपने उद्धार की सींग की ओर लगाया। प्रजा के लोग अश्शूरियों की बातों को तो सुन रहे थे, उनकी व्यर्थ बातों की ओर तो ध्यान लगा रहे थे, लेकिन हिजकिया राजा यहोवा के ऊपर ध्यान लगा रहा था। उसकी प्रजा के लोग, उसके साथ रहने वाले लोग उसकी निंदा करते थे, उसके विरोध में बातें करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने उन बातों के ऊपर अपना मन नहीं लगाया। उसको पता था यहोवा ही मेरे लिए जंग लड़ेगा, यहोवा ही मेरे लिए करेगा। मुझे और आपको सुनने में तत्पर होना है हिरन के समान, तभी हम अपने दुश्मनों की आवाज को पहचान पाएंगे, जब हमारे कान यहोवा के वचन की आवाज से भरे रहेंगे, जब हमारा हृदय यहोवा के वचन की आवाज से भरा रहेगा, तभी हम समझ पाएंगे ये भेड़े की आवाज है या भेड़ की आवाज है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा भेड़ के रूप में भेड़िए तुम्हारे पास आ जाएंगे। यदि आपके कान वचन पे नहीं लगे हुए तो आप उनको नहीं पहचान पाएंगे और भरमाए जाएंगे। इसीलिए आज हमें हिरन के जीवन से सीखना है, हमें सुनने में तेज होना है, वचन के ऊपर हमें अपने कान को लगा के रखना है, वचन के ऊपर हमें अपने ध्यान को लगा के रखना है, ताकि सच में हम वचन के द्वारा आशीष पाए। हालेलुया, हालेलुया। पांचवी और बहुत ही अद्भुत बात यह है, हम मैं चाहता हूं पढ़ेंगे भजन संहिता 42 अध्याय उसके पहले वचन को, जो कि हिरन की प्यास है। जैसे हिरनी नदियों के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे यहोवा मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जैसे नदी जल के लिए हाँफती है, वैसे हे यहोवा मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। बाइबल के अंदर हिरन की जो प्यास है वो बहुत बड़ी प्यास बताई गई है, और दाऊद अपनी तुलना हिरन के साथ करता है कि जैसे हिरन नदी के जल के लिए हाँफती है। हाँफता कब है इंसान? जब बहुत भागता है ना, भागते भागते क्या होता है, प्यास हो जाती है, फिर हाँफने लगता है ना। तो उसी प्रकार से दाऊद ध्यान करता है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, प्यास से तड़पती है, वैसे ही हे यहोवा मैं तेरे लिए तड़पता हूँ, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। क्या होता है प्रिय चीजों, जो हिरन के दुश्मन है ना, उनको पता हम हिरन को ऐसे तो पकड़ नहीं सकते। वो क्या करते हैं कि नदी के किनारे, नदी के पास अपना डेरा डाल लेते हैं, कि जब हिरन पानी पीने के लिए आएगी ना, हम उसको तुरंत पकड़ के मार देंगे और उसको खा जाएंगे। अब हिरन की सुगंध भी बहुत ज्यादा होती है, दूर से ही दुश्मन को पता चल जाता है हिरन है, उसकी रफ्तार भी बहुत तेज है। तो हिरन पानी की तलाश में इधर भटकती है, उधर भटकती है, उधर जाती है, उधर जाती है, थक जाती है, पर जब वो जा रही होती है, हर जगह अपने दुश्मन को देखती है, हर जगह अपने दुश्मन को देखती है, दुश्मन उसकी ताक में है, दुश्मन उसका इंतजार कर रहे हैं, और हिरन जब दुश्मनों को देखती है वहां से निकल आती है, फिर देखती है, फिर निकल आती है, फिर देखती है, फिर निकल आती है, अंत में दुश्मन नींद आने लगती है, उनको थक जाते हैं वो। फिर हिरन अंत में जाकर उसको एक ऐसा सोता मिलता है, एक ऐसी नदी मिलती है, जिसमें उतर कर पानी को पीकर वो अपनी प्यास बुझा सकती है। अब जैसे ही वो नदी के अंदर जाती है, उसकी स्मेल आसपास फैलने लगती है, तो अपने स्मेल को रोकने के लिए वो अपने आप को पानी में डुबा देती है और पानी के अंदर डूब जाती है, और वो पानी पीते पीते मर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। ये हिरन की बहुत बड़ी प्यास बाइबल के अंदर बताई गई है। याद रखिए मैं और आप एक दिन जीते यहोवा के प्यासे थे, हमें यहोवा का मार्ग नहीं पता था, हमें नहीं पता था उसके विषय में वो जीवन जल का सोता है। और जब हमें पता लगा, हम यहोवा के पास आने के लिए आपने बड़ी कोशिशें की होगी, लेकिन दुश्मन वहां थे जो कहते थे आपने अपना धर्म चेंज कर दिया, वो लोग तो ऐसे सिखाते, ऐसे बताते, वैसे बताते हैं, पर बहुत सारी ठोकरें खाई। लेकिन अंत में जाकर जब हम यहोवा सोते के पास आ गए, यशुआ है मशियाक जो जीवन जल का सोता है उसके पास आ गए, उस
के में आकर हमारी सुगंध बढ़ गई। हालेलुया। कभी बाइबल ध्यान करती है तुम मसीह की सुगंध हो। हालेलुया। अब याद रखे वो सोता यशुआ है, मशियाक है, यहोवा है, और जब मैं और आप उस सोते के अंदर आ चुके हैं, याद रखें इर्द गिर्द दुश्मन तो हैं, लेकिन वो पानी में नहीं आ सकते, वो सोते के अंदर नहीं आ सकते हिरन को मारने के लिए। हालेलुया। हिरन को सोते में रहना है और सोते में ही उसने अपने जीवन का अंत करना है। याद रखे हम यशुआ है मशियाक में आ चुके हैं, हम उस सोते के अंदर है, उस सोते में ही रहना है, क्योंकि सोते के बाहर कौन है? हमारा दुश्मन फाड़ने वाले शेर के समान इस ताक में रहता है, कब किसको फाड़ खाए। हमें सोते में बने रहना है, हमें सोते के अंदर रहना है, क्योंकि सोते के अंदर ही हमारी सुरक्षा है, पानी के अंदर ही हमारी प्यास बुझेगी, हमें उसके अंदर रहना है प्रिय अजीजों, तभी हम अपने यहोवा में रह सकते हैं और अपने जीवन का अंत हमें यहोवा में करना है, उस सोते में रहकर ही करना है। तभी बाइबल के अंदर जो हिरन की प्यास है वो सबसे बड़ी प्यास के रूप में बताया गया है। याद रखे प्रिय अजीजों, एक दिन आने वाला है, बाइबल बयान करते वो यहोवा का दिन होगा, उस दिन बताया जाएगा, पता लगेगा हम सब कितने पानी में हैं। हालेलुया। हम सब कितने पानी, कितने मुसीबत डूबे हुए हैं, थोड़े डूबे हैं, आधे डूबे हैं, या पूरे डूबे हुए हैं। बपतिस्मा लेते हैं तो कैसे लेते हैं? पूरे डूब के लेते हैं ना। हाँ, वो दिन बताएगा, पौलुस बताता है उस दिन हमारे कामों को आग में रख दिया जाएगा और बताया जाएगा, आग न्याय करेगी, आग देखेगी हम कितने पानी में, हम कितने आग में हैं, और उस दिन हमारा पता लगेगा। इसीलिए वचन के अंदर लिखा, हमने सीखा था यूहन्ना, यहोवा के दिन आत्मा में आ गया, मुझे और आपको आत्मा में रहना है। उस दिन, उस समय, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, लेकिन हमें अपने जीवन जल के सोते यशवा है मशियाक में बने रहना है प्रिय अजीजों। हालेलुया। 10 कुंवारियां थी, 5 मूर्ख भी साथ थी, 5 समझदार भी थी प्रिय अजीजों, दोनों की पहचान सेम थी, लेकिन याद रखे समझदारों ने एक्स्ट्रा तेल लिया हुआ था, अधिक तेल था उनके पास, अधिक शिक्षा ली हुई थी उन्होंने, पूरे समय का इंतजाम था उनके पास, यदि देरी हो गई इंतजाम था, लेकिन आज हम सब एक झुंड में आ रहे हैं, पता नहीं किसने ज्यादा तेल लिया है, किसने थोड़ा लिया है, कौन थोड़े पानी में है, कौन ज्यादा पानी में, कौन आधा डूबा है, कोई पूरा डूबा हुआ है। हमें अपने जीवनों के ऊपर गौर करना है, हम कितना डूबे हुए हैं, हमारे पास कितना तेल है, हमारे पास कितनी शिक्षा है, हमने अपने आप की कितनी चौकसी की है, हमने अपने जीवन की कितनी रखवाली की है। प्रेजीजों, यहोवा का दिन शीघ्र आने वाला है। आज हमने हिरन के जीवन से 5 बातों को सीखा है, उसकी आंखों के विषय में सीखा है, यहोवा की आज्ञाएं हमारी आंख की पुतली है। हालेलुया। हमने उसके सींग के विषय में सीखा है, उद्धार का मुकुट हमें पहने रहना है, हमने उसके पांव के विषय में सीखा है, उसके चाल चलन को जो दिखाते हैं, हमारे चाल चलन यहोवा के वचन के अनुसार होने चाहिए। हमने उसके सुनने के विषय में सीखा है, दूर से वो अपने दुश्मन की आहट को पहचान लेता है। याद रखिए, जब आप वचन में रहेंगे, आप अपने दुश्मन की आवाज को पहचान कर सावधान हो पाएंगे। और 5वीं बात, हमने उसके प्यास के विषय में सीखा है। हालेलुया। हालेलुया। तो सच में यहोवा ने हमारी प्यास को बुझाया है और हमें यहोवा में बने रहना है। आमीन। आमीन। आइए हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के लिए जोरदार ताली मार कर उसकी महिमा करेंगे। यहोवा अपने पवित्र कलाम के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। एक जोर से तारीफ जाए, ताली बजना है। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया वो जो आपने सुना है, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये 5 बातें आप जान सकेंगे। हालेलुया। 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 तो हम धन्यवाद देते हैं, आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं, सारी महिमा यीशु के नाम को दें। सच में आज का जो वचन है हमारे जीवनों के लिए बड़ी आशीष का कारण बने। एक जानवर के जीवन से हमने बहुत सारी बातों को सुना और सीखा है, उसके गुण जो यहोवा की ओर से रखे गए हैं कहीं ना कहीं जाकर इंसान की ज़िंदगी के साथ वो टच करते हैं। इसलिए यूब 12:5-6 वचन के अंदर लिखा है कि तुम जानवरों और पक्षियों के पास जाओ, वो तुम्हें बताएंगे भी और वो तुम्हें सिखाएंगे भी।
तो हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। हमारा गुना है कि यीशु अपने लोगों के बीच में। आज हम प्रार्थना में जाएंगे, भाई यीशु के साथ मिलकर दुआ करें, इस वचन के द्वारा सब लोग आशीष पाएं। धन्यवाद राजाओं के राजा यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, हम आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इकट्ठे हैं और धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आज के गीत भजनों के लिए और स्पेशली आज के पवित्र कलाम के लिए। यहोवा, हमने सीखा है हिरनी के द्वारा, जिस तरह यहोवा हिरनी के द्वारा बताया गया है कि हमें किस तरह अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। धन्यवाद यहोवा, आपका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्गों के लिए उजाला है। हम तो खोए हुए थे पाप में, लेकिन सचमुच आपने अपना हाथ देकर यहोवा हमारे नाम को बुलाकर आपने हमें छुड़ा लिया है उस शैतान के चुंगल से, जो खुद ही नरक की आग के लायक है और वहाँ झुका जाएगा। धन्यवाद देते हैं जितने भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं, सबके लिए यहोवा आपकी आत्मिक आशीषों को, आपकी शालोम को इन सब के जीवनों के लिए मांगते हैं। हम सब आपकी ओर देखते रहें यहोवा, क्योंकि आपकी बुलाहट, आपकी जो है यहोवा आगमन, वो जल्द होने वाला है और हमारी आँखें आपकी ओर लगी रहें। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। Thank you.
विषय है प्रार्थना के, और मैं चाहता हूँ कलीसिया के मन ऊपर प्रार्थना करें, क्योंकि कलीसिया की प्रार्थना के द्वारा असंभव चीज़ें संभव होती हैं। जब मैं और आप एक मन हो जाएंगे, और वचन कहते हैं दो जन एक मन जब इस हो जाएंगे जमीन के ऊपर, जिन चीज़ों को बांधेंगे वो बंधेगी, और स्वर्ग में भी जो खोलने के लिए वो कहेंगे वो खुलेगा। तो हमारा मुना है कि यीशु अपने लोगों के बीच में है। कुछ प्रार्थना के विषय हैं। सबसे पहली बात प्रार्थना के विषय हमारे पास है, और अब्राहम की मम्मा और उनकी दोनों किडनियों के अंदर डायलिसिस डॉक्टरों ने बोला है, और दूसरा कोरोना का भी उनका जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ,